हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नेचुरल रेड कलर जिसे हम बीटरूट से बनाएंगे। तो ये 100% नेचुरल होगा। इसे हम बहुत सारी रेसिपीज़ में कलर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो हम इसे इंडो चाइनीज़ में या इंडियन रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ में कलर लाना हो तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इस कलर से हम बहुत ही सुंदर रेड वेलवेट केक भी बना सकते हैं। तो चलिए आज इसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रेड कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बीटरूट लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसका ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम कट करके हटा देंगे और ये नीचे वाला हिस्सा भी कट करके हटा देंगे। अब इसे हम पीलर से पील कर लेंगे और पील करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करके इसे हम ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों बीटरूट को वॉश कर लिया है। अब इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेटर का सबसे महीन वाला जो हिस्सा है उसी से आप इसे ग्रेट करें और ग्रेट करने के बाद इसे हम माइक्रोवेव करेंगे। तो आज मैं इसे माइक्रोवेव में ड्राई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बीटरूट को ग्रेट कर लिया है। तो इसे बनाने का 2 तरीका है। एक तो आप इसे माइक्रोवेव में ड्राई करें, या तो आप सनलाइट में 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाएं। तो आपको जो सुविधा हो आप उस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आज इसे माइक्रोवेव में ड्राई कर रही हूं क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ड्राई हो जाती है। माइक्रोवेव में मैंने 5 मिनट का टाइमिंग सेट कर दिया है। तो इसे अब हम 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। अगर आपका माइक्रोवेव ज़्यादा वाट का है तो कम टाइम में ये ड्राई हो जाएगी। तो ये माइक्रोवेव के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। अगर कम वाट का है तो आप 1-2 मिनट ज़्यादा कर ले। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसे हम फ्लिप कर लेंगे एक चम्मच की सहायता से, और फ्लिप करने के बाद वापस से हमें 5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव करना है। तो 5 मिनट के बाद आप बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है। तो बीच में आप इसे 1 से 2 बार चेक कर लें। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइमिंग लगा दिया है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से ड्राई हो जाएगी। अब मैं आपको इसका आवाज़ सुना रही हूँ क्योंकि ये इतनी ही कुरकुरी होने चाहिए। तो हमें इस तरह का ही कुरकुरा बनाना है। अब इसे हम एक जार में डाल के पीस लेंगे। इसे हमें बहुत महीन पीसना है। तो अब मैं इसे पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है, ये देख सकते हैं आप इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब इसे मैं आपको एक प्लेट में डाल के दिखा रही हूँ इसका कलर कितना सुंदर आया है। तो आप रेड कलर बिल्कुल नेचुरल तरीके से घर में बना सकते हैं। मार्केट से लाई हुई कलर में बहुत सारी प्रिजर्वेटिव होती है, तो उसे आप इस्तेमाल ना करें, इसे ही आप इस्तेमाल करें। तो ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे छलनी में छान लेंगे और छानने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है। तो आप इसे बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अब मैं आपको यहाँ पे पानी में डाइल्यूट करके इसका कलर दिखा रही हूँ। तो आप एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लें और पानी लेने के बाद इसमें आप 1/2 टीस्पून ये पाउडर डालें, बीटरूट पाउडर। ज़्यादा नहीं डालना है हमें, बस 1/2 टीस्पून डालना है। और इसे आप इस तरह से मिला लें और मिलाने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है। इसे हम किसी भी ग्रेवी में रेस्टोरेंट वाला लुक लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इससे हम बहुत ही सुंदर रेड वेलवेट केक भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।